हेलो क्लास 7, हम अपना पार्ट 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव का पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में एंड करते वक्त मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो क्या आपने इसका आंसर ढूंढा? आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वह निर्भर करता है, वह तार कौन सी धातु से बना है। दूसरा, वह निर्भर करता है उस तार की लंबाई पर। और तीसरा, वह निर्भर करता है उस तार की मोटाई पर। इसीलिए विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों एवं विभिन्न लंबाई और मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। अब ये तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दिया, पर हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और उसमें हम बल्ब्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ उसके बारे में। आप सभी ने जो पहले जो बल्ब यूज होते थे, जो येलो लाइट प्रोड्यूस करते थे, 100 वाट के, 60 वाट के, उन बल्ब्स को देखा होगा। इनफैक्ट दिवाली पे भी हम कई बार उनको जले हुए देखते हैं। उन बल्ब्स को क्या कहते हैं बेटा? उन बल्ब्स को कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब्स। तो ये जो इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं, या मैं कहूं नॉर्मली जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले ताप दीप्त बल्ब, ये क्या करते हैं? ये जलते हैं जब, तो ये गर्म भी हो जाते हैं, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये उसका एक भाग ऊष्मा प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हीट प्रोड्यूस करने में, जो कि इनका काम नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहे हैं, उसको उसकी क्षति कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, तो इसका अर्थ हमें इनसे कुछ बेटर यूज करना है। और इनसे बेटर क्या होते हैं? इनसे बेटर होते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स या प्रतिदीप्त नलिकाएं, और सीएफएल्स, या फिर मैं कह सकती हूं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स, या मैं कहूं सहज प्रतिदीप्त लैंप। इसकी डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये इनकैंडेसेंट बल्ब से ज्यादा बेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक एफिशिएंट होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बेहतर प्रकाश दक्ष होते हैं। और बच्चों, इनसे भी बेटर क्या होते हैं, एक और चीज है, और वह है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो ये जो एलईडी होती है, आप देखिए, अब दिवाली पे भी आप देखेंगे कितने सारे वो चलते हैं कि एलईडी बल्ब हैं, एलईडी की जो लाइटिंग्स होती हैं, जो यूज करते हैं हम अपने डेकोरेशन पर्पस के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एफिशिएंट होती हैं, ये बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत होते हैं। किससे? फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स और सीएफएल से भी बेटर होते हैं। इट इज एडवाइस्ड टू यूज इलेक्ट्रिक एफिशिएंट अप्लायंसेस। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको कम से कम यूज करें और वो वेस्ट ना करें, सबसे बड़ी बात ये है। पर ये हमें कौन बताएगा कि कौन सा अप्लायंस जो है वो इलेक्ट्रिक एफिशिएंट है? वो हमें बताएगा भारतीय मानक ब्यूरो या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS। देखिए, मेरे पास एक स्मार्ट बल्ब है और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे IS और कुछ नंबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक ISI मार्क प्रदान करता है उन उत्पादों को, जो कि एक मानक चिन्ह होता है, ये दिखाने के लिए कि जो भी इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस है ये उसको कंफर्म करता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक एफिशिएंट है। या फिर मैं ये कह दूं कि उत्पादों को दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। इसीलिए वी शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में यह जाना कि विद्युत परिपथों को जोड़ने वाले तार जो होते हैं वे सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं, पर इसके विपरीत कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वे तार गर्म हो जाते हैं। तो आप मुझे अब सोच के बताइए कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी हम विद्युत धारा एक तार से प्रवाहित करें और वह तार पिघल कर टूट जाए? इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। NTPC फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम
विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।